हाँ बिल्कुल वॉइस क्लियर है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन स्टडी एट होम ड्राइवर एप मोबाइल नंबर आपको दिख रहे हैं। किसी भी प्रकार की समस्या सुझाव जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप कहते हैं कि सर आप फोन नहीं उठाते, आप तो पूरे दिन फोन करते हैं तो किस किस का फोन उठाएंगे। आपको अगर कोई भी सुविधा असुविधा हो रही है तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज भेज सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या होगी तो उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो आप व्हाट्सअप पर मैसेज भेज सकते हैं, कोई भी समस्या हो वहां पर समस्या का निवारण नहीं होगा तो मैं चलकर आपको कॉल करूंगा, तो आप चिंता नहीं करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो दोस्तों मैं बता देता हूं ये आज हम दिल्ली पुलिस ड्राइवर यानी कि डीपी ड्राइवर भर्ती के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है वो होने जा रही है। डीपी ड्राइवर में दोस्तों ये लाइव क्लास पांचवी क्लास है, हम लगातार ले रहे हैं, फिर भी मैं बता देता हूं जिनको पता नहीं है। तो दोस्तों स्टडी एट होम हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पर आप ऑनलाइन जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। आपको भारत की सबसे ड्राइवर की सबसे बेस्ट बुक है वो आपको यहां पर मिलती है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और बता देता चाहता हूं, अगर आपको फ्री में स्टडी करनी है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी फ्री क्लासें हमारी रहती है सब की सब इस टेलीग्राम पर डाली जाती है, सब की सब जो पीडीएफ फ्री में रहती है वो पीडीएफ डाली जाती है। वो दोस्तों ड्राइवर जो आपके डेली जो ड्राइवर की क्विज होती है, डेली डेली ड्राइवर क्विज दोस्तों हम लेते हैं, वो भी दोस्तों आपको फ्री में दोस्तों मिलती है। कहां पर मिलती है दोस्तों, टेलीग्राम पे मिलती है। कहां पर मिलती है, टेलीग्राम पे मिलती है। तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे क्लिक करके आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। स्टडी एट होम नाम से है तो इस पर आपको डेली के ड्राइवर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, किसी भी प्रकार का कोई समस्या प्रश्न में आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आप सभी आवाज लो आ रही है, लो नहीं आ रही है, आप थोड़ा ईयरफोन लगा लें, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर लें। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न 30 तक हमने कल तक कर लिए थे और काफी अच्छे हमने वहां पर प्रश्नों की व्याख्या की थी। प्रश्न 31 है, नीचे दिए गए लाइसेंस के संबंध में गलत कथन आपको बताना। पहली बात, नंबर एक ऑप्शन है MVA 1988, MVA का मतलब है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 3 लाइसेंस की आवश्यकता। नंबर बी, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 4 लाइसेंस के लिए आयु सीमा। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 8 लर्निंग लाइसेंस जारी करना। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 9 लाइसेंस रिन्यू करवाना। तो दोस्तों यहां पर आपको सभी को बताना है कि भी यहां पर गलत कथन कौन सा, दोस्तों गलत कथन के बारे में आपको यहां पर बताना है। सभी स्टूडेंट्स इसका जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी इसका जवाब है कि सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है कमेंट सेक्शन में बताएं। देखें कौन बताता है, देखें सी डी ए बी, 31 का डी, 31 का सी, सभी बताएं। देखें हिमांशु, काफी अच्छा सवाल पूछा है मैंने, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो आपको चारों कथन आपको अगर आ रहे हैं तो ही दोस्तों आप इसको सही कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मोटर व्हीकल एक्ट है इसकी धारा 3 क्या कहती है, लाइसेंस की आवश्यकता, यानी कि आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। कोई भी वाहन आप चलाते हैं तो उस वाहन जो आप चला रहे हैं उस कैटेगरी का, उस श्रेणी का वाहन आपके पास में होना चाहिए, सॉरी उस श्रेणी का वाहन नहीं, उस श्रेणी का लाइसेंस होना चाहिए। नंबर दो, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 4 लाइसेंस के लिए आयु सीमा, दोस्तों धारा 4 आयु सीमा की गणना करता है, बिल्कुल सही है। नंबर तीन, धारा 8 लर्निंग लाइसेंस जारी करना, दोस्तों बिल्कुल सही है, धारा 8 है उसमें लर्निंग लाइसेंस के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है। डी के बारे में बात करते हैं, धारा 9 लाइसेंस रिन्यू करवाना, दोस्तों ये गलत हो गया है। रिन्यू जो लाइसेंस आपका जो डीएल रिन्यू होता है दोस्तों, डीएल रिन्यू होता है वो दोस्तों कौन सी सेक्शन के तहत होता है, धारा 15 में होता है। धारा 15 लाइसेंस को रिन्यू करवाने के संबंध में उल्लेख है वो करती है। अब आपको यहां पर एक दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो कौन सी है, आपने सीख लिया कि धारा 3 में मोटर व्हीकल एक्ट में लाइसेंस की आवश्यकता है, 4 में सीखा कि आयु सीमा है, और 8 में सीखा कि लर्निंग लाइसेंस है। लर्निंग लाइसेंस के संबंध में दोस्तों सबसे बड़ा कंफ्यूज आपको यह होता है कि भी लर्निंग लाइसेंस है वो वैलिड कहां तक होगा, वैलिड कहां तक होगा, पूरे भारत में होगा या गृह राज्य में होगा। तो दोस्तों इसके दो चीजें हैं, एक तो वैलिड होता है कि आपने किसी राजस्थान से माना कि लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया, अब आप गाड़ी कहां सीखेंगे, तो दोस्तों इसमें आवेदन कहां कहां किया जा सकता है, एक तो निवास स्थान पर आप आवेदन कर सकते हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए, एक आप जहां पर नौकरी करते हैं आप वहां आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, एक जहां पर आप गाड़ी सीखना चाहते हैं, गाड़ी जहां पर सीखोगे वहां पर भी आप आवेदन करना
कर सकते हैं, मतलब ये तीन स्थान होते हैं जहां पर आप लर्निंग लाइसेंस दोस्तों जारी करवा सकते हैं। तो अब इनमें बात आती है कि माना कि आपने राजस्थान से कोई है वो आपने लर्निंग लाइसेंस जारी करवा लिया, लर्निंग लाइसेंस जारी करवा लिया राजस्थान में, अब ये वैलिड कहां तक रहेगा दोस्तों मैं बता देता हूं, ये 6 माह तक वैलिड रहता है और पूरे भारत में रहता है। क्या होता है, पूरे भारत में ये वैलिड रहता है। किसके लिए दोस्तों, केवल गाड़ी सीखने के लिए, आप गाड़ी पूरे भारत में किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाके सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात आती है यहां पर स्थाई लाइसेंस की, दोस्तों बात आती है स्थाई लाइसेंस के आवेदन की, तो दोस्तों यहां पर इसका उत्तर चेंज हो जाएगा। यहां पर आपका जो पूरे भारत शब्द है वो यहां पर पूरा भारत नहीं आएगा, केवल राजस्थान आएगा। यानी कि आपने लर्निंग लाइसेंस जहां पर जारी करवाया है आपको स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन वहीं पर करना पड़ेगा, दूसरी जगह पर नहीं। जहां से आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है या जारी करवाया है वहीं पर आप स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन है करोगे। लेकिन गाड़ी कहां सीख सकते हैं दोस्तों, पूरे भारत में। अब दोस्तों आपके सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रश्न आ जाए कि लर्निंग लाइसेंस है वो मतलब कि वैलिड रहता है पूरे भारत में जिस राज्य में जारी हुआ है वहां पर, या जहां पर जिस आरटीओ से आपने जारी करवाया वहां पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पूरा भारत, पूरा भारत। अगर पर्टिकुलर रूप से आपसे ये पूछ ले कि भी ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस आपने कहीं से बनवाया है तो आप इसका आवेदन कहां कर पाएंगे, अब अगर दोस्तों पूरे भारत में ऑप्शन है तो वो गलत हो जाएगा। मोनू भाई अपना नंबर देना, मोनू भाई के नंबर मांग रहे हैं, मोनू भाई बहुत बड़ी हस्ती लगता है मुझे। केवल अपने राज्य में वैलिड है दोस्तों, मैंने आपको दोनों फैक्ट बता दिए हैं कि भी पूरे भारत में कैसे वैलिड होता है और केवल उस राज्य में कैसे वैलिड होता है। तो आपको दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, वैलिड तो पूरे भारत में होता है लेकिन आप स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन केवल जहां से जारी करवाया है वहां पर वैलिड होता है। तो इसके अलावा दोस्तों आयु सीमा के बारे में बात करता हूं, आयु सीमा के बारे में भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, आपके सामने मैं एक शब्द रख रहा हूं, आपको इसका जवाब देना है, आप जवाब देंगे। मैंने आपके सामने नाम रखा मोटर कार, मोटर कार, इसके लिए आयु कितनी होगी। एक मैंने आपको शब्द दिया मोटर वाहन, मोटर वाहन। एक मैंने शब्द दिया परिवहन वाहन, परिवहन वाहन। एक मैंने आपको शब्द दिया सार्वजनिक वाहन, एक दिया मैंने सार्वजनिक वाहन। एक मैंने आपको शब्द दे दिया पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस, PLAC प्लेस। और एक मैंने आपको शब्द दे दिया वाणिज्यिक वाहन, एक मैंने आपको दे दिया वाणिज्यिक वाहन, वाणिज्यिक वाहन। एक मैंने आपको दे दिया एक दे दिया निजी सेवा वाहन, निजी सेवा वाहन। अब आपको यह बताना है कि अब इसमें आपको कौन से में कौन सी उम्र आपको वैलिड रहेगी। मोटर कार का आ गया, एक मैं और लिख दूं विदाउट गियर, विदाउट गियर MC यानी कि मोटरसाइकिल। अब सभी के बारे में आपको बताना है, मैं एक एक करके बता देता हूं। विदाउट गियर की बात आ जाए या 50 cc से कम की, एक और लिख देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं 50 cc से कम, 50 cc से कम की बात आ जाए। और एक मैं आपको और लिख दूं 35 cc से कम। अब आपको इन सारों के जवाब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं एक एक करके सभी के बारे में बता देता हूं। सबसे पहला है विदाउट गियर MC यानी कि मोटरसाइकिल, विदाउट गियर, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल है, इसके लिए उम्र दोस्तों कितनी होगी, 16 साल से आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, प्लस माता पिता की सहमति, माता पिता या जो संरक्षक होता है माता पिता की सहमति होगी कि भी मेरा लड़का, मेरा लाडला अगर लाइसेंस बनवा लेता है, गाड़ी चला लेता है और हाथ पैर तोड़ लेता है तो जिम्मेदार कौन होगा, मैं, हम स्वयं होंगे, ये माता पिता कहते हैं। वो इसमें कोई दिक्कत आ रही तो मुझे बताएं, एकदम क्लियर है आवाज में, कोई दिक्कत नहीं है। अब है आपके मोटर कार, मोटर कार या निजी कार या पर्सनल कार, ये शब्द आ जाए तो दोस्तों यहां पर आपको करना है 18 साल, क्या करना है 18 साल। मोटर वाहन, केवल मोटर वाहन शब्द आए तो यहां पर भी आप केवल 18 साल करेंगे, ठीक है। परिवहन वाहन, परिवहन शब्द का मतलब आप समझना पहले, परी, परी यानी पराया, और वाहन यानी कि दूसरों को ढोना, यानी कि दूसरों को ढोना मतलब कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को सेवा दे रहे हैं, और जहां पर दूसरे व्यक्तियों को दोस्तों ढोने का यानी कि दूसरों को सेवा देने का काम बात आ जाए वहां पर मतलब है हम यानी कि इसको कमाई के रूप में इस काम को कर रहे हैं, और जहां पर हम किसी आर्थिक लाभ के लिए यानी पैसे कमाने के लिए, जो नोट कमाने के लिए गाड़ी चलाते हैं उसके लिए दोस्तों उम्र कितनी होनी चाहिए, 20 साल होनी चाहिए।
तो इसमें परिवहन का हो जाएगा 20 साल। इसी प्रकार सार्वजनिक वाहन है, सार्वजनिक वाहन का मतलब है सार्वजनिक वैसा स्थान जहां पर सभी लोग जा सकते हैं। सार्वजनिक का मतलब क्या है, जहां पर लोग सभी लोग जा सकते हैं, तो जहां पर सभी लोग जाएंगे, सभी की गाड़ियां जाएंगी, सभी लोग जाएंगे, गाड़ी को किराए पर लेके जाएंगे, तो उसका मतलब है यहां पर भी 20 साल उम्र आपकी होनी चाहिए। पब्लिक प्लेस, ये भी सार्वजनिक वाहन ही होता है, इसकी भी 20 उम्र हो जाएगी 20 साल की। वाणिज्यिक वाहन यानी कि वाणिज्य किसे कहते हैं, उद्योग धंधों को, व्यापार को, तो व्यापार में वाणिज्यिक वाहन का प्रयोग अगर करते हैं तो इसमें भी आपको दोस्तों 20 साल की उम्र है आपकी होनी चाहिए अगर आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। यहां पर बात आती है 50 सीसी से कम की, तो 50 सीसी से कम की अगर कोई आप मोटरसाइकिल के लिए आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपकी उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, 16 साल होनी चाहिए। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भी निजी सेवा वाहन के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, निजी सेवा यान के लिए दोस्तों आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, एक बताओगे। 35 सीसी से कम का अगर कोई वाहन है तो उसके लिए लाइसेंस के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, दोनों का जवाब कमेंट सेक्शन में बताओगे। 50 सीसी 16 ईयर, ठीक है। अब इसका जवाब जो मैंने आपको पूछा है दे दड़ा के दोस्तों, लाइक अंगूठा तो दबा सकते हैं आप, वॉचिंग बढ़ रही है, 51 वॉचिंग हो गई है दोस्तों, थोड़ा सा आप इसको एक बार और शेयर करें, थोड़ा सा एक बार और दबा के इसको शेयर कर दें और सभी लाइक करेंगे, लाइक तो सभी को करना है, सभी जो मेरे प्रिय स्टूडेंट है वो सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी में हर जगह सभी का स्वागत है। निजी कार के लिए 18, मैंने निजी कार नहीं पूछा, बता देता हूं मैं, निजी सेवायान दोस्तों, यहां पर एक शब्द और लिखूंगा मैं, अब निजी कार शब्द और लिखूंगा। अब आपको इसका भी बताना है, निजी सेवा वाहन भी है, निजी कार भी है दोस्तों, दोनों में अंतर बताना आपको। आप पूरा लिखोगे निजी सेवा वाहन 18 साल 20 ईयर, निजी सेवा वाहन 35 सीसी 16। अच्छा, तो सभी कमेंट सेक्शन में अपना जवाब बताएंगे इसका क्या हो सकता है। थोड़ा सा इस वीडियो को दोस्तों आप शेयर कर दोगे मेरे कहने से, ठीक है, थोड़ा सा दबा के शेयर कर दो, एक बार और कर दो, सभी ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं। 35 सीसी 16, तो दोस्तों मैं बता देता हूं काफी सवालों के जवाब है मैंने आपको पूछ लिए हैं और आप लगभग जवाब सही नहीं आ रहे हैं, तो ये शोचनीय विषय है। जो मेरे स्टूडेंट है वो तो लगभग सारे इसके सही जवाब दे रहे हैं, जो मेरे पास में नहीं पढ़ा है, मेरी क्लास नहीं देखी है लाइसेंस की, उनके थोड़ी सी समस्या यहां पर आ सकती है, वो तो लगभग सारे इसके सही जवाब दे रहे हैं। चलो मैं बता देता हूं, निजी सेवा वाहन, मैं बाकी को क्लियर कर देता हूं एक बार, बाकी को मैं क्लियर कर देता हूं, आपको बताना है केवल 35 सीसी का, एक तो बताना है 35 सीसी से कम है, से कम का वाहन है तो दोस्तों इसके लिए आपको आवश्यकता नहीं है, क्या नहीं है, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। नंबर में दो बात करता हूं, निजी सेवा वाहन के बारे में आपको बताना है, एक बताना है निजी वाहन, तो दोस्तों इनमें अंतर है। निजी वाहन की बात आ जाए, निजी वाहन यानी कि पर्सनल गाड़ी की दोस्तों यहां पर उम्र हो जाएगी 18 साल, आप सभी जानते हैं, सभी को पता है, लेकिन मैंने यहां पर क्या दे दिया, प्राइवेट सर्विस व्हीकल, यानी कि आपके पास में एक ऐसी गाड़ी है जिसका प्रयोग आप अपने खुद के धंधे में, न कि बाहर के धंधे में, खुद का आपका कोई व्यापार चल रहा है और उसमें 10 मजदूर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 10 मजदूर काम कर रहे हैं और उन मजदूरों को सुबह शाम छोड़ने के लिए आप गाड़ी चलाते हैं, तो दोस्तों ये कैसा काम हो गया, ये गाड़ी तो निजी है लेकिन इसका उपयोग आप कैसा कर रहे हैं, वाणिज्य के रूप में, जहां पर सेवा शब्द आ जाए। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, कहीं पर भी सर्विस शब्द आ जाए, SERVICE सर्विस शब्द आ जाए, तो दोस्तों वहां पर क्या कर देना है, 18 वाले को 20 बना देना है, क्या बना देना है, 18 वाले को 20 बना देना है। किसी ने कमेंट में नहीं बताया था, तो आपको मजा आ रहा नहीं आ रहा है, प्राइवेट में 20 एज, ये क्या कह रहे हो, नरेंद्र सिंह कश्यप अर्दाना, पता नहीं क्या आप कमेंट कर रहे हो, थोड़ा सा स्पष्ट रूप से कमेंट करें, तो आपको जहां पर सर्विस शब्द दिख जाए, सेवा शब्द दिख जाए, तो इसका मतलब है कि ये दूसरों को सेवा दे रहा है और जहां पर दूसरों को देंगे तो वहां पर 20 साल से छोटा आप नादान कहलाओगे और नादान व्यक्ति गाड़ी नहीं चला सकता। तो दोस्तों ये पहला प्रश्न क्लियर हो गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहां पर एक चीज और बता देता हूं, धारा 8 के बारे में यहां पर नाम आया है, धारा 8 और एक रिन्यू के संबंध में आया है, तो धारा 8 क्या कहती है, धारा 8 कहती है कि आप लर्निंग लाइसेंस जारी करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, लर्निंग लाइसेंस जारी करवा लेंगे, लेकिन इसके साथ ही दोस्तों यहां पर यह भी लिखा है
कि आप अगर एलएमवी के लिए एलएल जारी करवाते हैं और आपकी उम्र 40 साल से क्या है कम है तो दोस्तों आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा मेडिकल, लेकिन किस में? फॉर्म नंबर एक में। फॉर्म नंबर एक में फिटनेस कास्ट का घोषणा देना है, लेकिन 40 से अगर ज़्यादा हो गई है, 40 प्लस आपकी एज हो चुकी है तो दोस्तों आपको देना है क्या देना है, फॉर्म संख्या एक ए भर के देना पहली बात तो 40 से ज़्यादा की। लेकिन आप अगर एचएमवी के लिए बनाते हैं लर्निंग लाइसेंस, एचएमवी का एलएल बनाते हैं तो आपको यहाँ पर मेडिकल देना होगा। मेडिकल कौन से फॉर्मेट में देना होगा? फॉर्म संख्या एक ए में। कौन बना के देगा? डॉक्टर बना के देगा। लेकिन ऐसा आप अगर मेडिकल प्रमाण पत्र, माना कि आपकी उम्र 25 साल है, 25 साल की उम्र में आपने मेडिकल दे दिया है, फिर रिन्यू के लिए 5 साल बाद में रिन्यू करवाएंगे आप 30 साल की उम्र में, तो आपको फिर से आपको मेडिकल नहीं देना, 35 में भी नहीं देना, यानी कि जब तक आपकी उम्र 40 साल ना हो जाए तब तक आपको मेडिकल दोबारा से नहीं देना। लेकिन एचएमवी के मामले में जैसे ही आपकी उम्र 40 प्लस हो जाती है और आप एचएमवी को रिन्यू करवाते हैं तो आपको मेडिकल दोबारा से देना पड़ेगा। तो ये बात आपको थोड़ा सा मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो धारा 9 है, यहाँ पर धारा 9 के बारे में आया है तो 9 का भी बता दूं क्या है इसमें। दोस्तों यहाँ पर शैक्षिक योग्यता का उल्लेख किया गया है, शैक्षिक योग्यता का उल्लेख किया गया है किसमें? धारा 9 में क्या लिखा गया है कि इस मोटर व्हीकल एक्ट में यह लिखा गया है कि लाइसेंस के लिए शैक्षिक योग्यता वह होगी जो केंद्र सरकार तय करेगी, केंद्र सरकार तय करेगी। लेकिन 2019 में इस बात को भी क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, यानी कि शैक्षिक योग्यता को हटा दिया गया है। लेकिन एक बात बताई गई है कि जो भी व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा उसको क्या होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए? सड़क नियमों की जानकारी, सड़क संकेतों की जानकारी, ड्राइविंग करने का नॉलेज होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? आप कम से कम साक्षर होने चाहिए, क्योंकि साक्षर नहीं है तो दोस्तों आप सड़क संकेतों को नहीं पहचान पाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया धारा 9, तो क्लियर हो गया आपका प्रश्न। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, अगला प्रश्न देखते हैं इसका जवाब कौन कौन सही देता है। प्रश्न संख्या 32, फिर से बता देता हूं, टेलीग्राम पर डेली फ्री क्विज आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको बिना किसी शुल्क के डेली आपको फ्री क्विज करवाई जाती है, तो आप तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर फ्री जितनी भी फ्री वीडियो क्लासें होती है, जितनी पीडीएफ होती है, जितनी हमारी सुविधा है, सारी की सारी अपडेट है आपको टेलीग्राम पर मिलती है, तो तुरंत आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इसका जवाब बताएं। देखें, वाहन पंजीकरण के स्वामित्व का अंतरण के संबंध में गलत कथन, गलत को गोला कर दें। सबसे पहली बात, मेरे आपका कोर्स ले रखा है, आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, पीडीएफ को पढ़ने के लिए प्रिंट आउट को निकालना चाहिए, ना कि आपको पीडीएफ का प्रिंट नहीं आ रहा है तो हम आपकी बुक वन लाइनर पीडीएफ कैसे पाएं? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आपको जो नोट्स मिले हैं कोर्स में वो आपको ऐप के अंदर पढ़ने के मिले हैं, प्रिंट के लिए वहां पर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इस असुविधा के लिए मुझे खेद है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आपको प्रिंट के लिए नहीं मिलेगी, आपको केवल पढ़ने के लिए मिलेंगे। ऑप्शन नंबर एक देखते हैं, राज्य के अंदर वाहन बेचने पर 14 दिन में आवेदन करना होगा, राज्य से बाहर वाहन बेचने पर 45 दिन में करवाना होगा क्या पंजीकरण? स्वामित्व अंतरण की बात हो रही है, मालिक की मृत्यु पर एक माह के अंदर सूचना देते हुए पंजीकरण को 3 माह में पूर्ण करवाना होगा और वाहन गिरवी रखने पर 60 दिन के अंदर स्वामित्व का अंतरण है वो करवाना होगा। दड़ दे दड़ा कर एक तो अंगूठा दबा दे, एक शेर वाला कर दे, और साथ ही दोस्तों आपको तीसरा काम क्या कर देना है दोस्तों, इसका राइट आंसर बता देना है कमेंट में। बताओगे कैसे? 32 नंबर प्रश्न ए बी सी या डी? अब देखो कंडीशन ये है कि आप सही बताओगे, मैंने कल नहीं परसों वाली क्लास में इसका जवाब भी बताया था आपको, सभी को पता होगा क्या है, मैंने आप सभी को इसका फैक्ट पूरा का पूरा बता दिया था कि भी इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, पूरी की पूरी रामकहानी मैंने आपको यहां पर बता दी थी। अगर आपने नोट पेन कॉपी हाथ में लिख रखी है तो आप जान रहे होंगे 14 दिन के बारे में, 30 दिन के बारे में, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 365 दिन, सारा का सारा मैंने आपको यहां पर बताया था कि कौन सा क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में भी कौन सा भी दिन आ जाए तो कौन सा किसके लिए होता, सारा सब कुछ बता दिया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा देखें, बताएं 32 का डी। सभी लोग व्हाट्सएप नंबर दो तो ग्रुप बना लिया जाए, ग्रुप मेरे पास में दोस्तों, ग्रुप मेरे पास में 103 ग्रुप है, कितने ग्रुप है व्हाट्सएप के, 103 ग्रुप है, लेकिन मैं तो उसमें देखता ही नहीं हूँ। व्हाट्सएप पर जितना कचरा होता है वहां पर कहीं नहीं होता दोस्तों, टेलीग्राम पर सबसे ज्यादा शांति होती है, टेलीग्राम पर सबसे ज्यादा शांति, आपको कोई तंग नहीं करेगा, वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी, सबसे पहले वीडियो का लिंक मिलेगा, सबसे पहले पीडीएफ मिलेगी और सबसे पहले कोई भी अपडेट है
ड्राइवर की फ्री क्विज दोस्तों, फ्री क्विज आपको यहां पर मिलती है। तो दोस्तों फिर व्हाट्सएप ग्रुप का क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब है आपको पढ़ाई नहीं करनी, मजे करने हैं। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देखें व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है नहीं बनाना है। इस प्रश्न का कमेंट में आप जवाब बताएंगे। पहली बात, फालतू की बातें हम ज्यादा नहीं करेंगे, केवल हमारे काम की बात। सभी बताए देखें डी डी, काफी स्टूडेंट्स जो हो सकता है आपने इसको मतलब कि याद रख लिया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। अब डी कैसे हुआ, यानी कि राज्य के अंदर आप वाहन बेचते हैं तो 14 दिन में आपको पंजीकरण करवा लेना होता है, पर मतलब सही है। नंबर दो है राज्य के बाहर बेचते हैं तो 45 दिन का टाइम है, ये भी सही है। मान वाहन वाले की मृत्यु हो जाती है तो एक माह के अंदर तो क्या करना है, सूचना देनी है आरटीओ को। किसको देनी है, आरटीओ को। अब पंजीकरण को 3 माह में पूर्ण करवाना, यह भी सही है। लेकिन दोस्तों वाहन गिरवी, यानी कि आप गिरवी रख देते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में यह बताएंगे कि गिरवी रखने के लिए कौन सा फॉर्म भरते हैं, गिरवी रखने के लिए कौन सा फॉर्म भरते हैं, आप यह बताएंगे गिरवी रखना है तो फॉर्म कौन सा भरना है, तो आप यह बताएंगे कमेंट सेक्शन में सभी। इसके अलावा आप यह बताएंगे, एक होता है HP endorsement, ये क्या होता है HP endorsement, अब ये क्या, ये किस खेत की मूली है, और इससे संबंधित फॉर्म 34 और फॉर्म नंबर 35 होते हैं, ये क्या होता है, फॉर्म संख्या 127 होता है, इसके बारे में भी मुझे बताएंगे क्या होता है। एक आप ये बताएंगे कि असाइनमेंट क्या होता है, हमने फॉर्म संख्या एक पढ़ा था कि जिसमें असाइनमेंट लिख रखा था कि भी असाइनमेंट किस खेत की मूली है, इसका क्या मतलब होता है, रट तो लिया असाइनमेंट का फॉर्म ये होता है। तो आप बताएंगे देखिए किसी को जवाब आओ, पूरा जवाब बताएं, गिरवी फॉर्म इतना ऐसा लिखेंगे आप, तो ऐसे तो मिक्स हो गया किसका बता रहे हैं, तो मैं बता देता हूं गिरवी रखने का फॉर्म संख्या 34 होता है, कौन सा होता है, फॉर्म संख्या 34। अब इसी गिरवी रखने को दोस्तों क्या बोलते हैं, एचपी एंडोर्समेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एचपी एंडोर्समेंट, किसको, इस गिरवी रखने को। और दोस्तों इसके लिए आप गिरवी रखते हैं यानी समझौता करते हैं तो फॉर्म 34 भरेंगे, और जब आप इस समझौते को समाप्त करेंगे तो दोस्तों फॉर्म संख्या 35 रहेंगे। अब बात करते हैं यहां पर असाइनमेंट की और फॉर्म 27 की, तो असाइनमेंट के लिए फॉर्म संख्या 27 भरा जाता है। अब ये फॉर्म नंबर 27 भरा जाता है, लेकिन असाइनमेंट है क्या, असाइनमेंट है क्या दोस्तों, तो दोस्तों सभी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये असाइनमेंट किस खेत की मूली है, इसको हमने नहीं जाना, इसका क्या होता है, हमने बार बार पढ़ तो लिया। और दोस्तों ये सवाल कहां आया, टपका था, पता है वहां से टपका था, ऊपर से, कहां पे, हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट का जो अभी पेपर हुआ है इसमें पूछ लिया था दोस्तों, किसके लिए, कि भी असाइनमेंट के लिए आप कौन सा फॉर्म भरते हैं, असाइनमेंट के लिए कौन सा फॉर्म भरते हैं, 27 नंबर। अब ये होता क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूं, गृह राज्य से आप अपने वाहन को बाहर ले जाते हैं, गृह राज्य से बाहर ले जाते हैं किसको, अपने वाहन को, और कितने समय के लिए, 12 प्लस माह के लिए। तो दोस्तों आपको आरसी है उसको दोबारा से क्या है, आपको पंजीकरण करवाना पड़ता है वाहन को, किसको, वाहन को, और इसे ही दोस्तों असाइनमेंट के नाम से जाना जाता है। किसी ने अगर बताया है ऐसी कोई चीज बताई है पहले कभी, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सर थोड़ा जूम कर लो, जूम यार एकदम अच्छी कंडीशन में दिख रहा है मुझे, तो मैं भी देख रहा हूं आपके सामने यहां पर लैपटॉप में, मैं भी देख रहा हूं। आप सभी को मैं बता दूं, आपको विश्वास नहीं हो तो मेरे पास में भी लैपटॉप है और मैं भी देख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसी कोई बात नहीं है, यहां पर लैपटॉप में मैं भी देख रहा। हां तो ये प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है, यहां पर हम इतना ही देखेंगे। एक चीज और मैं यहां पर बता देना चाहता हूं, फिर से क्लियर कर दूं, 14 दिन राज्य के अंदर बेचना, 30 दिन में नीलामी के मामले में, नीलामी के मामले में आपको स्वामित्व अंतरण, 45 दिन राज्य से बाहर वाहन बेचना, 60 दिन एडवांस रिन्यू, ध्यान रखना लाइसेंस का दोस्तों, लाइसेंस का जो अवधि है डीएल एडवांस रिन्यू की अवधि 365 दिन पहले या बाद में कर दी गई है, यह भी ध्यान रखना, 90 दिन मालिक की मृत्यु, पंजीकरण को अंतरण करवाना है, 365 नहीं है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं दोस्तों, अगला प्रश्न आज का हमारा होगा, कितना अच्छा प्रश्न है, किसका नाम आ गया, देखो सभी इसको पढ़ें ध्यान से और सही जवाब बताएं, सही जवाब क्या होगा, सभी बताएंगे। देखें पहली बात तो यह है कि आप मत पी लेना, आपने फॉर्म तो भर दिया है, तैयारी भी कर रहे हैं, अगर ये कर दिया तो दोस्तों समस्या हो सकती है, आपकी तैयारी डिस्टर्ब हो सकती है, तो आपको तो नहीं करना है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर धारा 1988 की धारा 185 के तहत जुर्माने का प्रावधान है, बताएं। देखिए सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस प्रश्न का क्या जवाब होगा, प्रश्न संख्या 33 डेस लगा के आप ये बताएंगे कि भी इसमें क्या जुर्माना है।
तो साथ साथ में यह भी बता दूं, ये प्रथम बार का जुर्माना पूछा है इसमें, प्रथम बार का, तो कमेंट में आप द्वितीय बार का जुर्माना भी बताएंगे, दूसरी बार में कितना जुर्माना है। ठीक है, 10,000 का 1,000 और 6 माह है, 10,000 जुर्माना 3 माह है, 10,000 जुर्माना और 6 माह के। यहां पर दोस्तों या शब्द आया है, या का मतलब क्या है? आप कहोगे सर मैंने एक बार शराब पी थी और मैं पकड़ा गया था, मेरे तो 10,000 का फाइन लगा था, जुर्माने या कैद के बारे में मुझे नहीं कहा गया। तो दोस्तों या का मतलब क्या होता है, आप अगर दादागिरी करते हैं, क्या करते हैं, दादागिरी करते हैं और आप लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और किसी का कहना नहीं मानते हैं, तो इस दादागिरी के चक्कर में दोस्तों ये या शब्द काम आता है। क्या आता है? ये या शब्द काम आता है, फिर आपकी दादागिरी उतारी जाती है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इसका जवाब क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो इस प्रश्न का जवाब देखें कौन बताता है, डी, बी, वाह भाई वाह, सी, ए, सभी के जवाब इस हिसाब से आ रहे हैं, 10,000 या दूसरी बार में 15,000। दोस्तों दोनों बताने, कैद भी बताओ 6 माह करेंगे या 3 माह है, यह भी बताओ साथ में, ए बी सी डी चारों आ गए, ये लो हो गई बंटा धार है, अरे मैं तो जाट हूं। अच्छा गुरुजी आपका इंट्रोडक्शन तो बता दो, गुरुजी नाम तो जानते होंगे, राज एजुकेशन चैनल है। अच्छा चलो मैं आपका इंट्रोडक्शन बता दूंगा, इस प्रश्न के बाद में मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हम आपसे पढ़ रहे हैं और आपको हम जानते ही नहीं है, केवल नाम जानते हैं, तो आप मैं अपना परिचय भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबको बताऊंगा। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, 10,000 का जुर्माना और 6 माह की कैद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना हो जाएगा और यहां पर 12 माह की कैद हो जाएगी, ये ध्यान रखना आपको, ये दूसरी बार का जुर्माना है। तो दोस्तों द्वितीय बार का हो गया, प्रथम बार का हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारा है 34, प्रश्न संख्या 34 आपके सामने है, और जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर अपना परिचय बताओ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्या क्या कमेंट कर देते हो यार, आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा मैंने भी फॉर्म भर दिया, मैंने भी फॉर्म भरा था, मैंने आपको फॉर्म सिखाने के लिए भरा था, आप मानोगे नहीं। अरे यार वैसे तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जॉब काफ़ी अच्छी होती है, तो मैं भी लगना चाहूँगा, मेरा क्या है, जॉब किसको अच्छी नहीं लगती। मैं बता देना चाहता हूँ मेरे बारे में, मेरा नाम, ये तो रेड कलर आ गया नाम शुरू करते ही, तो सबसे पहले मेरा नाम राजू राम है, आप सभी जानते होंगे राजू राम बिरड़ा, और मैं बता देता हूँ राजस्थान का निवासी हूँ, राजस्थान और चूरू डिस्ट्रिक्ट मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है दूसरी बात, और दोस्तों मैं वर्तमान में राजस्थान गवर्नमेंट में सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे दोस्तों मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि पहले से मैं ऑलरेडी क्या है सरकारी जॉब में हूँ, मुझे ड्राइवर नहीं बनना है, मुझे ड्राइवर आपको बनाना है। किसी भी प्रकार की समस्या है तो मुझे पूछ सकते हैं, आपने मेरा चेहरा आपने देख लिया है, कुछ लोग तो कह रहे हैं सर आप चेहरा तो दिखा दें। तो इंट्रोडक्शन हो गया, प्रश्न पे चलते हैं। लाइसेंस बनाते समय परीक्षा के संबंध में गलत कथन चुने, पर लाइसेंस बनाते समय परीक्षा के संबंध में गलत कथन चुने, टेस्ट में कम से कम 10 में से 6 प्रश्न का जवाब देना आवश्यक होगा। किसके बारे में है दोस्तों, लाइसेंस बनाते समय जो आपकी परीक्षा होती है, लाइसेंस बनाते समय जब जाते हैं तो आपका एग्जाम लिया जाता है, तो उस समय की बात हो रही है। टेस्ट में दिए गए प्रश्नों का 33% अंक प्राप्त नहीं करने पर उसे फेल समझा जाएगा, टेस्ट में फेल होने पर आगामी 7 दिवस में दोबारा टेस्ट देने का अवसर दिया जाएगा, 3 बार फेल होने पर टेस्ट हेतु 60 दिन बाद अवसर मिलेगा। अब मजा आएगा दोस्तों, ये प्रश्न किसी किताब में नहीं है, मैंने अपने खुद के दिमाग से बनाया है, तो अब आप बताएंगे देखें इसका सही जवाब है वो क्या होगा। प्रश्न किसी किताब में नहीं, देखें कौन कौन बताता है, मेरा जो शिष्य है मेरे स्टूडेंट है वो इसका जवाब आराम से बता देंगे, मैं इसको क्लियर कर देता हूं एक बार, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इसका जवाब बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सभी दोस्तों इस वीडियो को लाइक तो जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों, अंगूठा जरूर दबा देना है, वॉचिंग बढ़ रही है सभी शेयर करें, 81-80 हो गई है, 100 पहुंचा दें, बस एक बार इसको 100 तक लाइव इसको पहुंचा दें, बाकी ज्यादा हमें आपको नहीं कह रहा, मात्र 100 तक पहुंचाना है दोस्तों इसको। तो दोस्तों शुरू करते हैं, इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आप कमेंट में बताएं। तो सर चूरू में कौन सा गांव है, अरे चूरू में सुजानगढ़ है, आ जाना कभी मिलेंगे हम। बी डी ए बी हो गया भैया काम, अरे आपने कभी लाइसेंस नहीं बनवाया गया, वहां पर कुछ पूछा या नहीं पूछा, ऐसे पैसे देके सेटिंग से कर लिया काम, तो ऐसा न करें,
पर्सन को आपको सीखना पड़ेगा, तैयारी अच्छी करेंगे तभी। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे आवश्यक होता है कि सही संसाधनों का चुनाव करना, सही बुक्स आपको खरीदनी है, सही प्लेटफॉर्म चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, जहाँ पर आपको लगता है कि भी ये सबसे अच्छा है दोस्तों, वहाँ से आप कोर्स परचेज करें और उस कोर्स से पढ़ाई करें, तभी दोस्तों सफलता मिल सकती है। क्योंकि सफलता पाने के लिए या लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी होता है संसाधन। संसाधन का मतलब यहाँ पे है कि तैयारी आप किसके माध्यम से करते हैं, तो आपको जहाँ पर कंप्लीट जानकारी मिले, आपको लगे कि भी यहाँ से मेरी पूरी तैयारी हो सकती है, वहाँ से जुड़ के तैयारी कर लेनी है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, आज जो हमारा कोर्स था ऑनलाइन कोर्स है दोस्तों, इसमें एडमिशन का डिस्काउंट ऑफर था दोस्तों, डिस्काउंट ऑफर है वो दोस्तों अभी चल रहा है, आज रात 12 बजे तक, रात 12 बजे तक डिस्काउंट रहेगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, मात्र दोस्तों 333 में, मात्र दोस्तों 333 में। ये 333 में केवल कोर्स नहीं है दोस्तों, ये पूरा स्टडी एट होम आपका है, आप कुछ भी पढ़े, जो भी चीजें हमारे पास में है इन रुपए में आपको मिलती है, दोबारा से डिस्काउंट नहीं आएगा, डायरेक्ट इसकी प्राइस क्या जाएगी 499 में जाएगी, मैं फिर से बता देता हूं। तो आप तुरंत इसको परचेस कर सकते हैं अगर करना चाह रहे हैं तो, अदरवाइज आपकी जो भी इच्छा है, ये ऑफर केवल आज रात 12 बजे तक रहेगा, समाप्त हो रहा है, आप परचेस कर सकते हैं, काफी लोगों ने इसको परचेस कर लिया है। तो दोस्तों इस पर्सन का जवाब मैं बता देता हूं, इस पर्सन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काफी लोगों ने अच्छा बताया है। मोनू जी ने अपना जवाब नहीं बताया शायद मेरे हिसाब से, मोनू जी भी आपके कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कहीं भागे लगते हैं। तो इसमें क्या है, पहले मैं क्या, मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो आप एक लाइसेंस बनाते हैं, आप लाइसेंस बनाते हैं तो आपकी जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में दोस्तों क्या पूछा जाता है, 10% पूछे जाते हैं। कितने? 10% पूछे जाते हैं, 10 में से 6 का आपको जवाब देना होता है, यानी कि 60% आपको वहां पर अंक लाने होते हैं दोस्तों। कितने? 60%। और आप अगर यहां पर इस टेस्ट में या ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो 7 दिन में आपको दोबारा मौका मिलता है, यानी कि दूसरा मौका मिल गया। अब आप फिर से फेल हो जाते हैं तो फिर से आपको 7 दिन का अवसर है वो दिया जाएगा। आपको कितने मौके मिल गए? 3 मौके मिल गए। अब अगर आप अब चौथी बार जाएंगे तो आपको यहां पर 60 दिन का अवसर है वो मिलेगा, 60 दिन बाद में आपको जाना पड़ेगा, यानी कि चौथी बार आप जाएंगे तो आपको कितने दिन बाद में जाना पड़ेगा? 3 बार फेल हो गए, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 अंगुलियां कट गई, अब चौथी बची है, तो रिस्क आपके पास में 1 है। अब इस चौथी को पूरा टाइम दो और पूरा माइंड सोच समझ के गेंद फेंको, पूरी गेंद पाले में पड़नी चाहिए। क्या पड़नी चाहिए? गेंद पाले में पड़नी चाहिए। इसके लिए वो कहते हैं आप दोबारा से गाड़ी सीख के आओ, इसके लिए आपको 60 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। कथन 4 भी सही है और यहाँ पर ए भी सही है, बी सी भी सही है, लेकिन जो आपका बी है यहाँ पर 33 नहीं आएगा, यहाँ पर आपका 60% आएगा। क्या आएगा? 60% आएगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 35 नंबर, प्रश्न संख्या 35, वाहन के लगे साइड मिरर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन। दोस्तों आज सारे के सारे जो डाउट है, सुजानगढ़ में कौन सा मोहल्ला सर? अरे भाई साहब आप आ जाना, मैं आपसे मिल लूंगा, आप हम पार्टी करेंगे, आओ आप सभी का स्वागत है। क्या करोगे, कोई आक्रमण तो नहीं करने वाले आप? अरे कुछ कोई गलत कर दिया क्या? मैंने गलत कर दिया तो बता देना यार, मैं माफ़ी मांग दूंगा आप सभी से। एक्सेस सर्विस मैन की आयु होनी चाहिए, थैंक्स सर आप हमारे लिए कुछ कर रहे हो, थैंक्स, बहुत अच्छी बात है। वाहन के लगे साइड मिरर और रियर व्यू मिरर के संबंध में सही कथन आपको बताना है, सॉरी सही कथन नहीं है, देखो ये नहीं कार गलत का कितना फेर है, और एसएससी है भैया, अब की बार एसएससी है, वो खोपड़ी में छेद पक्का करेगी। तो आपको अब की बार ये जो सही नहीं है और जो गलत है इन शब्दों से पाला जरूर पड़ेगा दोस्तों, इसीलिए मैंने तैयारी भी उसी हिसाब से करवानी शुरू कर दी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, वाहन में 2 रियर व्यू मिरर लगे होते हैं, ड्राइवर सीट के राइट साइड में बाहर भी एक साइड मिरर लगा रहता है, ब्लाइंड स्पॉट साइड मिरर और रियर व्यू मिरर में दिखाई नहीं देते, साइड मिरर में उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है। अब आपको बताना है गलत कथन कौन सा है, देखिए सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे गलत कथन कौन सा है। वाहन में 2 रियर व्यू मिरर होते हैं, ठीक है, ड्राइवर सीट के साइड में राइट साइड में बाहर भी एक साइड मिरर लगा होता है, ब्लाइंड स्पॉट साइड मिरर रियर व्यू मिरर में दिखाई नहीं देते हैं, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी इसका जवाब है वो मुझे बताएंगे,
कमेंट सेक्शन में सभी अपना जवाब बताएं कि इस प्रश्न का जवाब है वो क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब मैं बता देता हूं आपको, इस प्रश्न का सही जवाब होगा देखें रेड्डी सी बी। अरे ए तो किसी का नहीं आया, सुमन कुमार का ए आया, बहुत अच्छा। कृष्ण सदाम फरादी 35 डी, गलत बता रहे हैं आप यार। इस प्रश्न का जवाब आपको नहीं आ रहा तो थोड़ा सा सोचनीय विषय है दोस्तों, आपको थोड़ा सा अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर इस प्रश्न का जवाब आपको नहीं आ रहा है, मैंने गाड़ी के शीशे का पूछ लिया, जहां पर आप डेली क्या है बार सवारते हैं, डेली आप आंखें पोंछते हैं चश्मा लगा के, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, ये काम करते हैं, लेकिन आपको शीशे का पता नहीं है कि गाड़ी में शीशे कहां है, कौन सी शीशे में कौन सा दर्पण है, और आप दिल्ली पुलिस में तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा सोचनीय विषय है। दोस्तों मैं आपको जरूर कहूंगा आपकी इसमें थोड़ी सी गलती है, आपको ये आना चाहिए था। मोनू भाई नंबर देना, मोनू भाई नंबर मत देना भैया, नंबर किसी को नहीं देने हैं, ऐसे बार बार नंबर मांगेगा पता नहीं ये क्या करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं इस प्रश्न का जवाब सही क्या होगा। नंबर एक क्या है, वाहन में दो रियर व्यू मिरर लगे होते हैं। रियर यानी क्या होता है दोस्तों, पीछे। रियर यानी पीछे, एक होता है पीछे एक होता है साइड में। गाड़ी है उसमें दो प्रकार के शीशे होते हैं, एक तो होता है पीछे देखने का, एक होता है साइड में देखने का। साइड वाले शीशे दो होते हैं और पीछे देखने वाले शीशे एक होता है। तो यहां पर क्या दिखा गया है, दो रियर व्यू मिरर, दोस्तों यही गलत हो गया। और क्या नहीं है, सही कथन नहीं है, पूछा है तो ऑप्शन नंबर एक कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। दबा के लाइक करें और दबा के शेयर करें दोस्तों, मजा आ रहा है। तो नंबर दो, ड्राइवर सीट के राइट साइड में, ड्राइवर साइड के राइट साइड में बाहर भी, दोस्तों यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, राइट नहीं लेफ्ट साइड होगा यहां पे, ठीक है, सॉरी, चलो तो एक ही बात होगी, राइट साइड में बाहर भी एक साइड मिरर लगा होता है, ये बिल्कुल सही है। राइट कह दो चाहे लेफ्ट कह दो, भाई ड्राइवर बैठा है, अब इसके इधर भी है और इसके इधर भी है, दोनों साइड में साइड मिरर है, तो ये भी कथन सही हो गया है। माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, यहां पे मैंने सोचा कुछ गलत हो गया है, तो ये भी सही हो गया कि ड्राइवर सीट के राइट साइड में एक साइड मिरर होता है। ब्लाइंड स्पॉट, अंधे स्पॉट, वो स्थान जो आपको रियर व्यू मिरर यानी कि जो गाड़ी के केबिन में शीशा होता है उसे दोस्तों रियर व्यू मिरर बोलते हैं, और जो गाड़ी के बाहर होते हैं उन्हें साइड मिरर कहा जाता है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो इन दोनों ही शीशों में दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, याद रख लेना। अंधे मोड़, अंधे स्थान, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड पैलेस, कुछ भी नाम आ सकता है। तो मैंने आपको देखो एक शब्द दिया था, अंधे स्पॉट, अंधे स्पॉट शब्द दे दिया था एक टेस्ट में, तो लोगों ने कहा सर ये क्या है, ये तो हमने नाम पहली बार सुना है। तो यार इस ब्लाइंड स्पॉट में और अंधे स्पॉट में क्या फर्क है, ये तो कॉमन सेंस था, आपको इस प्रश्न का जवाब सही करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। ब्लाइंड स्पॉट साइड मिरर और रियर व्यू मिरर में दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल सही है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण उपयोग में किया जाता है, ये भी सही है। अब मैं आपको दर्पण के बारे में बता देता हूं दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब तो क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर एक सही हो गया है, बाकी तीनों कथन सही है ये, और ये कथन गलत है, और गलत ही इसमें पूछा गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, एक तो होता है दोस्तों कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव, ये अंग्रेजी के नाम है। इस कॉन्वेक्स को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं देखिए, आपको पता हो तो, कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, और एक होता है कॉनकेव। तो जो कॉनकेव होता है दोस्तों, इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, और जो ये कॉनवेक्स है इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ये तीनों शब्द मैंने लिखे हैं, अब ये क्यों लिखे हैं, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ध्यान से देख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, कॉनवेक्स बहिर्गोल, उत्तल दर्पण कॉनकेव, अंतर्गोल अवतल दर्पण। अभी दोस्तों मैं बता देता हूं कौन सा किस में होता है, ये दोस्तों ये आपके होते हैं हेडलाइट में, किस में होते हैं दोस्तों, हेडलाइट में, किस में होते हैं, हेडलाइट में, आप पक्का देख लेना, परीक्षा में पक्का छपेगा, परीक्षा में नाम क्या आए आप ही देखोगे। लेकिन ये जो है वो दोस्तों किस में होते हैं, दोस्तों आपके रियर व्यू मिरर में भी होते हैं और साइड मिरर में भी होते हैं दोस्तों, किस में, साइड मिरर में भी होते हैं और रियर व्यू मिरर में भी होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है और आप आज हमने प्रश्न तो हमने कुछ ही पांच ही किए हैं, पांच ही प्रश्न किए, कितने,
केवल 5, लेकिन सिख हैं कितने हैं? ढेर सारे। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी है दोस्तों, 96 वॉचिंग नाउ, 96 लाइव है इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा और शेयर कर दें, ये 100 तक पहुंच जाना चाहिए बस, ठीक है। तो दोस्तों आज इस क्लास में यही है। अब आपका डाउट सेशन, कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है दोस्तों, आप पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं अपना। अवतल हेडलाइट में होता है, ठीक है, बढ़िया बात है। पेपर में मार्क्स कितने आने चाहिए? अर्जुन भाई मैंने किताब से देखा था। सर फ्रंट ग्लास में कौन सा होता है? देखें देखें बताएं सभी। सर मेरा डीएल में एड्रेस चेंज है। कोई बात नहीं, ड्राइविंग देखो दोस्तों, आपका अगर लाइसेंस कहीं से बना है, मैं राजस्थान का हूँ, मैंने केरल से लाइसेंस बनाया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, क्योंकि लाइसेंस वहाँ बनाया जाता है जहाँ पर आप रह रहे हैं या जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, जहाँ पर आप व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो कोई किसी का कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि डाउट मैंने छोड़े नहीं है। क्या है? डाउट मैंने छोड़े नहीं, तो डाउट होगा क्या? तो दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर आपको टेलीग्राम की फ्री क्विज चाहिए तो आप फ्री क्विज के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स दोस्तों आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों कंप्लीट कोर्स मात्र 333 रुपए में आज रात 12 बजे तक आपको इसमें मिलेगा। 12 बजे तक आज लास्ट दिन है इस ऑफर का, आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी समस्या आती है तो मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। दोस्तों मेरा फोन नहीं लगेगा, लगेगा आप क्लास की तैयारी कर रहे हैं, अभी लाइव सेशन में है, आप फोन मिला रहे हैं, सर आपका फोन नहीं मिलता। तो दोस्तों टाइम हमें हमारे पास में थोड़ा सा समय का अभाव रहता है। व्हाट्सएप पर आपको प्रत्येक मैसेज का रिप्लाई मिलेगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, कोई भी समस्या हो चाहे हर समस्या का समाधान आपको 2 घंटे के अंदर मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं सर मैं 4 दिन से ट्राई कर रहा हूं, तो भैया आप मैसेज भी कर सकते हैं, तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं क्या होगा, आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस। अभी तक हमने 57 क्लासें अपलोड कर दी दोस्तों, 57 जितनी क्लासें किसी ने नहीं कराई है उतनी क्लासें हमने करवा दी है। और आपकी टेक्निकल यहां पर चल रहा है दोस्तों, क्या चल रहा है? टेक्निकल अभी हम पढ़ा रहे हैं, और टेक्निकल की अभी तक लगभग आपके 47 से लेकर 57 तक यानी कि 11 क्लास आ चुकी है, और यहां पर हम लगभग 15 क्लास के आसपास आपकी टेक्निकल की और लेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे, हर टॉपिक के वन लाइनर आपको करवाएंगे और उसका रिविजन करवाएंगे, तब मजा आएगा, असली मजा पढ़ने का क्या होता है। साथ में दोस्तों इस कोर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस तो करवाएंगे ही, साथ ही दोस्तों हमारी ड्राइवर सिलेबस पर हमारी 10 बुक है। कितनी बुक है? 10 बुक हमने छाप रखी है, 10 में से 6 बुक आपको यहां पर दिल्ली पुलिस तैयारी के लिए आपको इसमें साथ में मिल जाएगी। आपको पुरानी भर्तियों के पेपर है वो इसमें साथ में मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज है दोस्तों, इसमें कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज वो मिल जाएगी, और डेली का टेस्ट दोस्तों, डेली टेस्ट जो हम लेते हैं वो भी दोस्तों आपको इसमें साथ में मिल जाएंगे। मतलब क्या हुआ, अगर आपने 333 रुपए से आज इस कोर्स को कंप्लीट कॉम्बो कोर्स, दोस्तों कोर्स नहीं है, कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है, तो दोस्तों आपको पूरा इस ऐप का जो स्टडी एट होम है दोस्तों, इस ऐप का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। जो ये आपको ऐप दिख रहा है दोस्तों, इसका पूरा एक्सेस है, जो ये आपका हो गया, आपको 333 में क्या हो गया, स्टडी एट होम आपका हो गया। तो दोस्तों लाइव क्लास टाइम, दोस्तों लाइव क्लास का टाइम है वो आपके 8:30 से लेकर 8:45 के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा हमारे सामने टाइम का इश्यू चल रहा है, तो 8:30 से लेकर 8:45 के बीच में लाइव सेशन हर दिन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को नमस्कार, बोलो जय माता दी, दिल्ली पुलिस की जय।